मैं तो यार हंसता ही नहीं था, अभी यार ये बॉडीगार्ड का म्यूजिक हिट हुआ है तो हंसना शुरू किया है मैंने। जी हाँ, हिमेश रेशमिया की खुशी लौट आई है, और लौट आए हैं ब्रांड न्यू हिमेश, जो हालांकि अपनी वापसी के लिए एक बार फिर पहले की तरह सलमान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बॉडीगार्ड के म्यूजिक ने सारे रिकॉर्ड डाउनलोडिंग के और सेल्स के और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सलमान भाई का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बॉडीगार्ड में संगीत देने का। बट हिमेश, हमें लगता है कि आपकी ये कैब भी कुछ कम लकी नहीं है आपके लिए। बताइए, सक्सेस के लिए सलमान और इस कैब में से किसे ज्यादा लकी मानते हैं आप? सलमान भाई ज्यादा लकी है, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या से ब्रेक और उनके साथ 11 सुपरहिट दे चुका हूँ, और अब बॉडीगार्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा लकी तो सलमान भाई है। और कैब का जहाँ तक सवाल है, वो अब दोबारा एक हमारा गाना है मधुशाला, उसमें आप मुझे दोबारा देखेंगे उस कैप में, जो नहीं था, तो इस फिल्म के प्रमोशन में भी मैं इस कैप का इस्तेमाल करूंगा। लक की बहुत जरूरत है। लक की जरूरत तो है ही, सलमान के साथ की भी कुछ कम जरूरत नहीं है आपको। आखिर बॉडीगार्ड ने ही तो आपको बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी का मौका दिया है। पर ये क्या, आप इतने बदल जाओगे ये उम्मीद तो शायद सलमान खान ने भी नहीं की होगी। देखिए कैसे सलमान के राइवल नंबर 1 शाहरुख खान और उनकी फिल्म के सॉन्ग्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं हिमेश। चमक छल्लो तो सुपरहिट गाना है ही, जी वो तो सुपरहिट गाना है, और शाहरुख खान साहब बहुत बड़े स्टार हैं, और वो पिक्चर तो सुपरहिट होगी आर्यवान, क्योंकि बहुत बड़ी तरीके से रिलीज़ हो रही है और बहुत अच्छी फिल्म लग रही है और वो होगी भी, और भगवान करे वो बहुत कामयाब रहे। अरे ये क्या कहे जा रहे हैं हिमेश, कहीं बारी बदलने का इरादा तो नहीं है? आप तो वाकई काफी बदल गए हैं, तभी तो आप कर रहे हैं सलमान के सबसे बड़े राइवल की फिल्म पर तारीफों भरे कमेंट। मैं एक्चुअली नहीं कमेंट करता हूँ किसी पे भी, मुझ पर पूरी दुनिया कमेंट करती है, ये ऑलवेज है। सब अपना अपने चाचा जी का माल समझ के बिल्कुल कमेंट कर ही देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, रियली मैं नहीं करना। एक बार आशा जी से करने की कोशिश की तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो गया, तो वैसे मैं नहीं करता हूँ। हाँ भाई, बवाल तो हो भी सकता है, आखिर मामला बॉलीवुड के सबसे बड़े खान मॉल का जो है, ऐसे में जरा फूक फूक कर कमेंट करें आप तो ही अच्छा है। वैसे आपको बता दें कि हिमेश यहाँ आए थे अपनी आने वाली फिल्म धमाधम का म्यूजिक रिलीज करने। दिवाली पे हमारी भी एक फिल्म आ रही है जो एक कॉमेडी है, और हस्ती खेलती फिल्म एक लोगों को एक 5-day वीकेंड है, मज़ा आएगा, और एक अच्छी सिंसियरिटी से बनाई हुई ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की जो फिल्में होती थी गोलमाल वगैरह, तो वो उस किस्म के मस्ती वाले माहौल की फिल्म है। आम किरदार है हमारे, और हंसते खेलते आप जाओगे, हंसते खेलते बाहर आओगे। वी होप ऐसा ही हो। वैसे लगता है फेलियर ने काफी कुछ सिखा दिया है हिमेश को, पर हिमेश की खुद को एक सक्सेसफुल एक्टर साबित करने की जिद की दाद देनी पड़ेगी। इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने एक्टर बनने का इरादा बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ बॉडीगार्ड इन म्यूजिक, आई नीड सुपर सक्सेस एज एन एक्टर ऑल्सो, बिकॉज मेरी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन उसके बाद जो 3 फिल्में आई वो नहीं चल पाई, जिस किसी वजह से ये हुआ, लेकिन ये फिल्म पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं अपने बैनर के जरिए, HR म्यूजिक के जरिए इस फिल्म को ला रहा हूँ, और अब इसके गाने भी धूम मचा रहे हैं, और उमराव जान ऑलरेडी डाउनलोड्स में बहुत आगे है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो खुशी हो रही है, और उम्मीद करता हूँ कि दिवाली पे एक सबको एक मीठी दिवाली मिलेगी धमाधम के जरिए।